पीडीसी न्यूज़ की खबर से अज मोहर लगी जो यहाँ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अस्थाना से लीक हुई रिपोर्ट बारे मुख्यमंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लीक करने वाले से FIR दर्ज की जाएगी। पीडीसी न्यूज़ ने सोमवार को विखाया अस्थाना की लीक हुई रिपोर्ट का वो हिस्सा जिस अस्थाना ने कई हैरान गुण और वड्डे खुलासे किए। अस्थाना ने रिपोर्ट के बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आधार ना होने का खुलासा किया। इस रिपोर्ट कारण सरकार को जिथे वड्डी नमोशी का सामना करना पिया उत्थे ही इस गल ते मोर भी लगती विखाई दी कि किस ढंग दे नाल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अफसरों के उपर दबाव पाया जा रहा है कि जान बुझ के कोई झूठा मामला बिक्रम मजीठिया के खिलाफ तैयार किया जाए। पर अज मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी इस ते बोलते विखाई दिते। उन्होंने कहा कि लीक हुई रिपोर्ट नू लैके रिपोर्ट लीक करन वाले ते FIR दर्ज की जाएगी। अस्थाना जी की जिहड़ी रिपोर्ट लीक हुई है उहदे ते असीं FIR दर्ज करा रहे और पता कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल लीक की गई है, फाइलों नू किस तरह लीक होया, किस तरह तरीके दे नाल ओह छुट्टी पर गए है, सारा कुछ। जिहड़ा सब तो वड्डी गल है कि कोई भी डाकूमेंट है किस तरह लीक होया उहदे ते FIR दर्ज हो के तहकीकात की जाएगी। पंजाब की सियासत च आया भूचाल, लीक हुई ADGP की रिपोर्ट ने किए खुलासे, खुलासे बदलाखोरी दे, खुलासे सियासी रंजिश दे, खुलासे किवें अधिकारियों नूं बनाया जा रहा मोहरा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू होण जां फिर पंजाब सरकार का कोई मंत्री, अक्सर ही यह कहते सुने गए हैं कि वह अपने विरोधी अते अकाली दल के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने नशे के मामले च जेल भेजेंगे। पर सबूतों की गैर मौजूदगी च सिर्फ अपने बयानों नूं साबित करने के लिए हुण सरकार पुलिस अधिकारियों नूं बलि का बकरा बनाना चाह रही है। उन्होंने मोहरा बना के बिक्रम मजीठिया के खिलाफ झूठी कार्रवाई करवा के अपने कहे नूं साबित करना चाहती है, जिसका खुलासा किया है ADGP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन SK अस्थाना वालों DGP इकबाल प्रीत सिंह सहोता नूं भेजी गई कथित रिपोर्ट ने, जो कि लीक हो चुकी है। 11 दिसंबर तो मेडिकल लीव ते गए ADGP अस्थाना खुद इस वेले अस्पताल च भर्ती ने, पर उन्हां दी इस वायरल रिपोर्ट ने सरकार दे भी होश उड़ा दिते होंगे, क्योंकि यह रिपोर्ट साफ करती है कि किवें सरकार वालों बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव पाया जा रहा है। रिपोर्ट च बिक्रम मजीठिया खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार ना होने का जिक्र किया गया। अस्थाना ने रिपोर्ट च मामला हाईकोर्ट की निगरानी च होने की गल कही। ED वालों पुछगिछ के बावजूद मजीठिया खिलाफ कोई सबूत हाथ ना लगन की भी गल कही गई। अस्थाना ने सवाल पूछा कि सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट च पई होने के बावजूद केस की मुड़ तो जांच हाईकोर्ट के हुक्मों की उलंघना नहीं है। जड़े मामले च मुकदमा खत्म हो चुके है, उस च जांच मुड़ किवें संभव? AG वालों सीलबंद रिपोर्ट मंगन के बावजूद हाईकोर्ट ने इनकार किया ते मामले की सुनवाई 11 जनवरी होनी है। अजिहे च मामले च अगे किवें वधिया जा सकता है? ड्रग्स मामले च दर्ज सारी FIR की मुड़ जांच तो बाद फाइनल रिपोर्ट दाखिल, अजिहे च कार्रवाई के हुक्म क्यों? श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बयान दिता है कि सरकार अधिकारियों नूं वरत के उन्हां खिलाफ जाली मामले बनाउण दी साजिश रच रही है, पर वो कामयाब नहीं हो सकेगी। चन्नी सुखी रंधावा ते नवजोत सिद्धू का पिछले 2.5 महीनों का कोई काम नहीं, कहिंदे आ कि मजीठिया साहब नूं ते सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ परचा दे के अंदर करो, झूठे केस करो। एक एक जिहड़े अफसर नूं बुलाउंदे ओह कहिंदे असीं झूठा केस नहीं कर सकते। पहले वरिंदर सिंह सी उहनूं, वरिंदर कुमार उहनूं कहा, उदो शुक्ला साहब, हुण अस्थाना जी, सारिआं ने जवाब देता कि असीं झूठा काम नहीं करने। हले भी समझण अफसरां नूं वरतिआ भी जा रिहा, वरतिआ उहनां दा इक्को ही काम है, होर कोई पंजाब दे विच कोई समस्या, कोई उन्होंने फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है, कल्ले झूठे बेस ना असी परचियां तो डरीए, ना सानू कोई परवाह है। पर चन्नी साहब याद करो, थोनू मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने थोड़े उम्मीदा ना थोड़े वांगू
ਡਰਾਮੇ ਵਾਜਾ ਬਲਕੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ? ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ? ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ADGP ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, BDC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।